जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ रेलवे भी अब कदम ताल मिलाते हुए तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में रेलवे द्वारा तैयार किए गए आइसोलेशन कोच का निरीक्षण आज जबलपुर कलेक्टर द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कोच के अंदर रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं कुछ आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी रेलवे से आग्रह किया है, ताकि संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह सके। वर्तमान में रेलवे द्वारा 5 कोच को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जिसमें लगभग प्रत्येक कोच के अंदर 14 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। लेकिन जबलपुर की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर करमवीर शर्मा ने रेलवे के अधिकारियों से मांग की है कि वह आइसोलेशन स्पेशल कोच के जरिए कम से कम 300 बेड तैयार रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उसका उपयोग किया जा सके। कलेक्टर करमवीर शर्मा के अनुसार जिले में आइसोलेशन कोच के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भी कोविड केयर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किया है रेलवे की जो आइसोलेशन कोचेज हैं, बेड संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया है, किस तरीके से इस कोरोना के युद्ध में एक बड़ा मुकदमा साबित होगा? देखिए, आप सभी विदित है कि जितने भी बेड्स की अवेलेबिलिटी बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर सेक्शन, हर विभाग से, हर जो शासन के अंग हैं उन सभी से मदद ले रहे हैं। आपको विदित है कि हमने ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बढ़ा के, पहले जो 2100 हुआ करते थे वो 3400-3500 बेड्स पर हम लोगों ने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बढ़ाए थे। उसके बाद फिर हमने अलग अलग एजेंसीज को से टच करना शुरू किया, जैसे हमने आर्मी के साथ में टाइप करके 100 बेड का कोविड केयर सेंटर एक स्थापित किया है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोगों को, बिना ऑक्सीजन वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए तैयार किया था। इसी क्रम में आज हमने रेलवे से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो भी अपने कुछ कोचेस रेडी रखें, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसका उपयोग करेंगे। तो उसी क्रम में आज ये निरीक्षण करने आए थे कि उन्होंने अभी 80 बेड का एक कोचेस तैयार कर लिए हैं, जिसको बढ़ाकर एक्सटेंशन करके 300-350 तक भी बढ़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल 80 बेड्स तैयार हैं और ये जो बेड्स हैं वो भी ऑक्सीजन रहित बेड्स हैं। बेसिकली जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोग हैं और जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन लोगों को यदि आइसोलेशन बेड की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर है। कुल मिलाकर अभी इसके साथ साथ हम लोगों, आपको विदित है कि मारोताल में डी मार्ट करके जो हमने लोकेशन है वहाँ पर 400 बेड का हमने एक सेटअप तैयार किया है एक ही छत के नीचे, वो भी ऑक्सीजन रहित एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए वो बेड है और उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हम लोगों ने जो है ऑर्डर प्लेस की है। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आएंगे तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जा सकते हैं, चाहे वो यहाँ हो, चाहे मॉरोटॉल में हो, चाहे मिलिट्री। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।